પુલવામા આતંકવાદી હુમલામાં શહીદ થયેલા શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટે આણંદ શહેરના એકતા સર્કલ પાસે અલખાયર ગ્રુપ દ્વારા કેન્ડલ માર્ચ કાઢીને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. वीरों की जो शहादत हुई है और वीरों को शहीद किया गया है, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं और ये हम सरकार को और भारत में जो सरकार है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, उनको कहना चाहते हैं कि हमारी सैन्य को, हमारी फौज को, हमारी बीएसएफ को जो है पूरा पूरा इख्तियार दिया जाए कि वहाँ जा कर के जो है जितना भी ताकत के साथ मुकाबला किया जा सके उतना मुकाबला करे, क्योंकि जो है ये बार बार ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आतंकवादी जो है हमारे सेनाओं के ऊपर, हमारी नागरिकों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ये हम किसी हाल के अंदर भी बर्दाश्त करना नहीं चाहते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि भारत हमारा वतन है, हमारा देश है, उसके कण कण से, उसके जर्रे जर्रे से हम मोहब्बत करने वाले हैं. मैं जो है सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि किसी भी किस्म की पीछे हट किए बगैर, किसी किस्म का समझौता किए बगैर जो है फौज को पूरा पूरा इख्तियार दिया जाए, बीएसएफ को और जितनी भी बटालियन है, जितने भी कमांडोज है, और जिस तरीके की स्ट्राइक की जाए उसका जो है पूरा पूरा इख्तियार दिया जाए, ताकि दोबारा आइंदा हमारे भारत देश के ऊपर, हमारे जवानों पर, हमारे नागरिकों पर या हमारी सरजमीन के ऊपर ऐसा कोई हमला करने वाला जो है पैदा ना हो और कोई हमारे सरजमीन को पर हमला करने की ताकत न रखता हो. बस यही हमारा अनुरोध है. हम जो है जितने भी वीर शहीद हुए, जितने भी नौजवान हमारे बटालियन कमांडो शहीद हुए, उनके जो है उनके सगे वाले, उनको उनके कुटुंबीजनों के साथ और उन जो है बेवा होने वाली बहनों के साथ उनके गम के अंदर बराबर के शरीक है, उन यतीम बच्चों के जो है गम के अंदर हम बराबर के शरीक है, और जो है आइंदा ऐसा कोई कृत्य न हो उसके पहले से ही तकेदारी से पगले से भारत सरकार को लेने चाहिए. और अगर जो है हम चाहते हैं कि अगर फौज के अंदर कोई कमी महसूस हो रही हो या सरकार के अंदर कोई कमी महसूस हो रही है, तो जो है हम मुसलमानों की पूरी फौज हम बॉर्डर पर जा करके अपने आखिरी खतरे तक लड़ने के लिए हम तैयार है. हमें इख्तियार दिया जाए, हमें हथियार दिया जाए, तो हम भी फौज पर जो है जाकर के बॉर्डर पर लड़ने की हमारी तैयारी है और ऐसे हमारे नौजवानों की भी तैयारी है. મારું નામ મોહિન મહેતા જી છે. આજે જે 14 ફેબ્રુઆરી જે આપણા વીર જવાનો પર જે હુમલો થયો તેના એમની યાદમાં આપણે શ્રદ્ધાંજલિનો આપણા ઓલ કેર ગ્રુપે પ્રોગ્રામ રાખેલો હતો. એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અમે, અને ગુજરાતી ચોકેથી અહીં મિનરવા ચોકડી સુધી અમે કેન્ડલ લઈને અહીંયા આવ્યા છે. કેન્ડલ માર્ચ લઈને અમે આવ્યા.